गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागतम। दोस्तों, आज हम उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिनके पास गमला नहीं है व नाम गमला के कमी से फूल नहीं उगाते हैं लगाते हैं, तो उन लोग सिर्फ गमला में ही फूल खिलते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जिसको कमी होता है ना फ्रेंड, एक गमला खरीदने के लिए उनको बहुत परेशानी भी होता है, 25 से 30 रुपया का प्रॉब्लम क्या होता है वो हमको मालूम है। तो उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कोई भी प्लास्टिक मोटा टाइप के रहेगा उससे भी आप इस तरह ग्रो बैग बना सकते हैं। देखिए, कहीं फेंका हुआ भी मिलता है फ्रेंड, अगर घर में आपके पास नहीं है तो कोई प्लास्टिक जुगाड़ करे, कोई मोटा बैग फट गया उससे आप जुगाड़ करे प्लास्टिक टाइप का। देखिए, ये हम फटा हुआ था मेरा एक ट्रिपल, उससे ही हम ये बनाए हैं। आप लोग बैग तो खरीदते होंगे, बैग फट जाता है फ्रेंड, वो बैग में भी लगा सकते हैं, फिर उसको काट के इस तरह सिलाई करके आप लोग ये इस तरह ग्रो बैग बना सकते हैं फ्रेंड, जिसको ठोंगा कहते हैं वो। और देखिए फ्रेंड, मेरा शाल भी दूसरा बार फूल हुआ है। और देखिए, यहाँ पे बीच वाला था ये तोड़ दिए थे जब सूख गया था, फिर उसमें से ये देखिए ये सूखा हुआ, और इसमें से 3 फूल, 1 फूल शुरू में निकला वो तोड़ दिए, फिर उसमें से 2 निकला, 2 से देखिए फ्रेंड ये है एक, ये है एक, फिर ये जब खत्म हुआ फ्रेंड ये देखिए ये दूसरा फूल फिर इसमें से आया, 2-2 करके निकालते जा रहा फ्रेंड। और हम इसको फूल जब खत्म हो जा रहा है तो हम इसको इसका डंडी को तोड़ देते हैं। और देखिए, अब फिर डबल निकल रहा है, एक इसे यहाँ निकला था, ये देखिए फ्रेंड, हम दिखाने का आप लोग को कोशिश करते, ये देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए हम तोड़े थे जब 1 फूल हुआ था, ये देखिए फ्रेंड इसको तोड़ दिए थे तो दोनों साइड से 2 कलियां निकले, देखिए एक ये है एक ये है। इसी तरह एक बार इसको भी तोड़ देंगे फिर जब फूल खत्म हो जाएगा, अभी खत्म होने ही वाला है, बस इसको तोड़ देंगे तो इसके बगल से 2 निकलेगा फ्रेंड। तो इसी तरह इसमें से भी देखिए, इसको भी हम तोड़े थे फ्रेंड, इसमें से 2 निकला है, देखिए एक ए है, ये जो फूल आ ही रहा है देखिए, एक ए देखिए आया है ना फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड ऐसे ही होता है, ये देखिए तो 2-2 करके निकालता है, इसमें से भी 2 निकला है, ये देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह इसको केयर करने से बहुत ही सुंदर फूल, छोटा सा हम एक इतना छोटा सा एक पौधा हम लेकर आए थे फ्रेंड, ये देखिए तो इसको हम इसको बढ़ाए कितना प्यार से। अरे देखिए, इसमें मिट्टी तो गढ़ा हो गया है, मतलब कड़ा हो गया है, इसको हम कुड़ाई कर देंगे। कुड़ाई नहीं हो रहा था फ्रेंड, कुड़ाई करके दिखाते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा कूट देंगे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसी लकड़ी से हम कोड़ देते हैं, इसको ध्यान से पानी देते रहे, जैसे किचन क्या एक बार लगाए हैं हम खाद वाला मिट्टी वाला पानी से फ्रेंड, मतलब सॉरी खाद मिट्टी जो भी बनाए थे जब लगाए थे हम आप लोग को दिखाए थे फ्रेंड, ये जब हम पॉटिंग किए थे रिपोर्ट तो आप लोग को हम दिखाए थे फ्रेंड, बाद में अच्छे से हम कोड़ देंगे फ्रेंड। एक बार जब लगाए है ना उसके बाद अभी तक हम कोड़ाई नहीं किए फ्रेंड, ये दिसंबर का शुरू में ही हम इसको रिपोर्ट किए थे, अब तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है फ्रेंड। तो सोचिए फ्रेंड कितना अच्छा चल रहा मेरा ये सेल्विया, और है फ्रेंड उसको हम नहीं लाए सामने में, और छोटा छोटा भी और कुछ है फ्रेंड। तो इस तरह एक ही बार में मिट्टी तैयार करके लगा देते हैं, उसके बाद जब भी आप पानी, हम तो जब भी पानी दिए हैं, कभी कभी सादा और कभी बीच बीच में सप्ताह में एक दिन तो हम लिक्विड पानी दिए हैं फ्रेंड। लिक्विड मतलब क्या है कि किचन वेस्ट का जो है वो पानी हम बनाते रहते हैं हमेशा, तो उस लिक्विड पानी हम इसमें डालते जाते हैं फ्रेंड। इस तरह करके ये मेरा फूल इतना अच्छा है। एक और है फ्रेंड, उसको भी हम दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड,
ये भी यही ग्रो बैग हम खुद बनाए हैं, इसका मिट्टी बहुत नरम है। तो फ्रेंड ये भी दूसरा बार ही आ रहा फूल, ये देखिए इसका कलिया सब आ रहा है, इसमें दो इसका टहनी निकल आया, ये भी अब खत्म हो जाएगा। ये देखिए आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड इस तरह ये तोड़ देने से वो बगल से दो निकलेगा और इसी तरह फ्रेंड ऐसे ही हम खत्म हो जाता है जब फूल ना फ्रेंड तो तोड़ देते हैं। तो फिर सेकंड बार फूल आया, इस सेकंड बार है, ये थर्ड बार होगा। तो फूल फ्रेंड आते ही रहता है, तो कितना अच्छा लगा फ्रेंड बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। कोई जरूरी नहीं है कि गमला में ही फूल उगाना है, और गमले के कारण से हम शौक पूरा नहीं कर पाते हैं फ्रेंड, बात यहाँ है। तो कोई भी ग्रो बैग में अब मिट्टी तो खरीदना नहीं पड़ता है फ्रेंड, कहीं भी मिट्टी मिलता है, और आपका किचन और से आप खाद बना सकते हैं, और खाद भी आपको खरीदना नहीं है और ना पॉट खरीदना है। बस एक एक 15 से 20 रुपया में एक पौधा खरीदना है बस लगाने के लिए फ्रेंड, इतना जरूरत नहीं है खरीदने के खर्च करने का, आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं फ्रेंड। और जैसे कि सब्जी उब्जी होता है ना फ्रेंड, उसका भी जो छिलके वो सब आप लिक्विड भी बना सकते हैं और सूखा के भी बना सकते हैं। जैसे कैंची से छोटा छोटा करके आप काट दीजिएगा, सूखा दीजिएगा, फिर उसको अगर ऊपर से डाल देंगे और पानी डालते रहेंगे तो उसका भी खाद पौधा में आराम से जाता है। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड एक लाल हिबिस्कस है, इसका पिंक है मेरा बहुत सारे, और ये रेड जो है ये हाइब्रिड है, और पौधा भी बड़ा हो गया देखिए फ्रेंड। थैंक यू।